कल बेटा 97 पेज तक हम लोगों ने कर लिया था। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी के पुरखे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से ही पानी बनता है। इस कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी के पुरखे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद धरती वजूद में कैसे आई? माना जाता है कि एक बहुत बड़ा उपग्रह सूरज के सामने आ गया। सूरज जलती हुई गैसों का गोला है, उसके साथ टकराने पे सूरज का कुछ हिस्सा टूट गया। ठीक है, जब वो हिस्सा ठंडा हुआ तो वो दूसरे ग्रहों में बदल गया, और जिस ग्रह पर पानी था वो ग्रह धरती कहलाई। वहां पे जिंदगी को पनपने का मौका मिला। ठीक है, और मुझे याद है पेज 98 फर्स्ट लाइन बेटा, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हद्रजन और ऑक्सीजन मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप वहां से देख के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्पेलिंग लिखेंगे, हद्रजन और ऑक्सीजन जन नहीं लिखेंगे, के रासायनिक क्रिया के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया, जो आंखों के सामने है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, वो अपना आप गवा के पानी के रूप में बदल गए। मुझे उत्पन्न किया, मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। इसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। कल भी हमने बात की थी पानी का अल्टीमेट स्रोत क्या है, जगह कहाँ से पानी आता है? बर्फ से, ग्लेशियर्स से पानी आता है बच्चे। ठीक है, तो उसने ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर मींस किसका शरीर? पानी की बूंद का शरीर। पहले भाप रूप में था, मैं अब अत्यंत छोटा हो गया था। मैं पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक पानी बर्फ के रूप में रहा। ओके, कई लाख, हाँ चौको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। दाल में नमक के समान मुहावरा है बेटा, दाल में नमक होना, बहुत कम मात्रा में होना। दाल आप एक कटोरी बनाते हैं, नमक डालते हैं 1 चम्मच उसमें। दाल में नमक होना बहुत कम मात्रा में होना। तो वो कहती है पानी की बूंद, कहती है 100 200 साल तो ऐसा है जैसे पानी में नमक के, दाल में नमक के समान। ठीक है, बहुत थोड़े देर की बात कर रहे हो, ये तो 100 200 साल। मैं तो पुराने जमाने से, जब से अर्थ एग्जिस्ट में आई, मैं तो तब से इस दुनिया में हूं, पानी कह रहा है। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। दीर्घ जीवी यहाँ किसे कहा गया है? दीर्घ जीवी मीन्स बहुत देर तक जिंदा रहने वाला, और दीर्घ जीवी यहाँ पे पानी को कहा गया है। पानी दीर्घ जीवी था, दीर्घ जीवी है, दीर्घ जीवी रहेगा। पानी के बिना हम लोगों का वजूद नहीं है। ओके, पानी के बिना हम लोगों की एग्जिस्टेंस नहीं है। महक, प्रीत, आपका 2 जगह ज्वाइनिंग क्यों आ रहा है बेटे? महक, आपका 2 जगह ज्वाइनिंग क्यों आ रहा है? ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि उस दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुना रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? ये कौन बता रहा है? बूंद।
बेटे अक्सर हम साइंस में क्या बात करते हैं, अक्सर हम साइंस में बात करते हैं कि जब ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई तो क्या हुआ? कैन एनीवन टेल मी, ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई तो क्या होगा? पहली बात तो ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलेगी ही क्यों, और अगर पिघलनी शुरू हो गई तो क्या होगा? हाँ जी बानी, चल बता बते, एक तू ही है जयवंत, आप भी बता सकते हैं। मैम, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्लोबल ग्लेशियर्स की वार्मिंग के बर्फ कारण पिघलेगी, पिघल सकती है और मतलब बाढ़ आ जाएगी जब वो पिघलेगी। बाढ़ आ जाएगी। ओके ओके ओके, पहले तो ग्लोबल वार्मिंग क्या सेम है? ही से। ग्लोबल वार्मिंग क्या, मैम हीट अप, मैम धरती का मतलब जो तापमान है वो बढ़ रहा है। कैसे? गिव वन एग्जांपल। धरती का तापमान बढ़ रहा है मैम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो आजकल तो बहुत ठंड है, तापमान कहाँ बढ़ रहा है बताइए तो। मैम बहुत धरती का ठंड है बढ़ बेटा, रहा है, एनवायरनमेंट का नहीं इतना लग रहा है, धरती का बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है बेटा, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। तापमान बढ़ रहा है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। समर्स आर प्रोलॉन्ग, कितना लंबा समय है ये, अभी ये मतलब आया बसंत पाला उड़ंत, यानी जैसे ही 5 तारीख आई फरवरी की, पाला खत्म, सर्दी खत्म, और सर्दी पड़नी कब शुरू हुई है? मुझे लगता है ये 3 दिन बारिश के बाद, ये 2 दिन तो हुए सर्दी पड़ते हुए, कल और आज। असली सर्दी तो यही 2 दिन है, नोज ठंडा हो रहा है, हाथ के टिप्स ठंडे हो रहे हैं, है ना? असली वास्तविक सर्दी तो ये है, यानी सर्दी का मौसम कितनी देर रहा? कल से शुरू हुआ, मीन्स 10 तारीख से शुरू हुआ और 5 फरवरी तक, बस कितने दिन? 25 दिन। और समर्स कितनी प्रोलॉन्ग हो चुकी है, शुरू होती है मार्च में और कब जाके नवंबर में मौसम अच्छा आता है ना? समर्स कितनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो चुकी है, जहां विंटर्स होनी चाहिए। तो क्या होगा बेटा अगर इसी तरह धरती का तापमान बढ़ता रहा? तो क्या होगा? ग्लेशियर्स से बर्फें पिघलनी शुरू, ठीक है? वहां बर्फ पिघलेगी, नो डाउट नीचे पानी ज्यादा आएगा और समुद्र तक पानी जाता है आपको। तो क्या होगा बेटा? समुद्री किनारे वाले प्रदेश जलमग्न हो जाएंगे, समुद्री किनारों वाले इलाके, यानी महाराष्ट्र का सर्वनाश हो जाएगा, गुजरात का सर्वनाश हो जाएगा, है ना? इधर से बंगाल की खाड़ी की साइड पे भी, यानी जो भी एरियाज पानी के नजदीक हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, और वहां की आबादी को कहाँ जाना होगा? हायर प्लेसेस पे। तो हो सकता है ग्लेशियर हमारे रहने का स्थान बन जाए। तो इस तरह जो साइकिल है, मौसम का साइकिल, पानी का साइकिल, सारा खराब हो जाएगा, ठीक है? और जब साइकिल खराब हो जाता है, आप एक साधारण साइकिल की बात लीजिए, आपका पैडल पूरा नहीं चल रहा, केवल आप इस तरह पैडल मार रहे हैं साइकिल पे, तो वो साइकिल आप कितनी देर रन कर पाएंगे? समझ रहे हैं ना? साइकिल पूरा नहीं चल रहा, हम साइकिल को सिर्फ इतना चला पा रहे हैं तो कितनी देर चला पाएंगे? हाँ, मौसम चक्र बिगड़ जाएगा, पानी का साइकिल बिगड़ जाएगा, तो सारा कुछ बिगड़ जाएगा बच्चे। तो हमें पानी का और मौसम का बहुत ध्यान रखना है। और मौसम बिगड़ने का कारण पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का कारण हमारे कारखाने, नदियों में गंदगी डालना, और बहुत कुछ है पॉल्यूशन के कारण, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है? और आपको पता है साउंड पॉल्यूशन भी वर्क करता है, साउंड पॉल्यूशन ग्लेशियर्स पे इफेक्ट करता है जयवंत। साउंड पोल्यूशन ग्लेशियर्स पे इफेक्ट करता है, पहाड़ी इलाके पे इफेक्ट करता है। अरे किसी पहाड़ी इलाके में जाके बंदूक चला के तो देखो, एक फायर करके तो देखो, बड़े से बड़े पहाड़ टूट जाएंगे, बर्फ के पहाड़ साउंड से टूट जाते हैं, ठीक है? दीज आर द कॉमन 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 सॉल्यूशंस जिनके बारे में हम आम आदमी विचार नहीं करता बच्चे, ठीक है? बहुत से फिल्मों में आपने देखा होगा कि विलन ने गोली चलाई, बर्फ का पहाड़ टूट गया,
लेकिन हम उसे इतना सीरियसली नहीं लेते. साउंड पोल्यूशन कैन इफेक्ट ग्लेशियर्स. ओके आगे चल रहे हैं हम. इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस सामने ना था. बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए. ग्लेशियर्स क्या होता है बेटा? ऊपर बर्फ जमी होती है, नीचे फ्लोइंग वाटर होता है. जब नीचे फ्लोइंग वाटर होता है, जब फ्लोइंग चीज होती है, फ्लोइंग चीज होती है, फ्लोइंग चीज काफी गर्म होती है. ठीक है बच्चे, फ्लोइंग चीज काफी गर्म होती है. गर्मी के कारण नीचे से बर्फ पिघलती जाती है. ऊपर बर्फ है, नीचे से पिघलती जा रही है. ठीक है बच्चे, तो अपना शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था और उसके तरल शरीर पर हम फिसल चले थे. मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई. आपको मालूम है पानी के पानी को अगर ठंडी का एहसास होता है, बर्फ का ग्लेशियर है, तो साथ साथ आपको मालूम है गर्म पानी के चश्मे भी. ठीक है, गर्म पानी के चश्मे, जैसे आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप, मणिकरण साहब, वहाँ एक तरफ ठंडे पानी की वो है, रिवर है, पार्वती नदी है, और साथ में वहाँ गर्म पानी का ग्लेशियर भी है. मणिकरण साहब गुरुद्वारे में उस गर्म पानी में चीजें पकाई जाती हैं. तो उसने कहा कि मैं गर्म धारा से भेंट हो गई. धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने अपनी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई. समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णातीत है. वर्णातीत मतलब जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता. अंडर वॉटर कितनी तरह के जानवर हैं, कितनी तरह की फिशेज हैं, कितनी तरह की एल्गीज हैं, है ना, वो सब का अनुभव करना बहुत ही सुखद था. वो मैंने कहा मैं अभी तक समझती थी समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, यानी मेरे जैसी वो नहीं है बस. नहीं, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है. पहले पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं पाया, जी मचलाने लगा, उल्टी आने लगी, पर धीरे धीरे सब सहन कुचला. एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है, यानी अंडर वाटर डाइविंग करनी चाहिए, देखते हैं क्या नजर आता है. ये कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया. मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे. मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मनमारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी. एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे. किस फिश की बात हो रही है, स्टारफिश या ऑक्टोपस? ऑक्टोपस की. ओके, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी. ओके, एक बार पानी की कहानी शुरू से पानी की कहानी. बेटे आप लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, मुझे पढ़ा के बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, हर रोज एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है. लेकिन आपकी क्लास अपने दृढ़ निश्चय पे अड़ी हुई है. ओके चलिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम बात कर रहे हैं पानी की कहानी. ओके, पानी पहले ग्लेशियर के रूप में था, बाद में वो ग्लेशियर पिघलते रहे और पानी कन्वर्टेड इनटू वाटर फ्लो. ठीक है, फिर ये समुद्र में मिल गया. समुद्र में आकर ये असंख्य जीवों से मिला. अभी तक हमने पानी की ये कहानी. ठीक है जी, आगे मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी. अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे. मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो
कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, ऐसी फिश जिसकी यहाँ पे लालटेन होती है, क्या नाम है आप ज्यादा जानते होंगे, ठीक है, इस प्रकाश को देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां उसके पास आ जाती थी, और ये जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, और मैं और नीचे समुद्र की गहरी सतह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिकने मोटे पतले पेड़ बहुत तादाद में उगे हुए हैं, वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, जो निपट अंधे और वहां आलसी हैं, आलसी मींस हाइबरनेशन में रहते हैं, जो खास काम नहीं करना चाहते, सिर्फ टिके ही रहते हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे, जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तय थी, मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी, ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलखल इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की संपत्ति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे, वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे पृथ्वी के हृदय में, घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। कहां पहुंच गई होगी, वोल्केनो में, है ना, देखते हैं। उसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, हाई टेम्परेचर, ये हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे, मतलब जो आगे चल रहे थे वो डर गए, और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, डिवाइडेड इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल बाकी कि नहीं भाई नहीं, वॉल्केनो को गर्म अंदर जो ज्वालामुखी चल रहा है उसको टच नहीं करना, नहीं तो हम सूख जाएंगे। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। कौन सा एरिया, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, क्या कहते हैं कोर, क्या कहते हैं अंदर वाला हिस्से को, आपको ज्यादा पता है, ओके, हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े, वॉल्केनो इरप्शन हो गई। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघलती धातुएं और लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लाते, कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले एक्टिविटीज, है ना, किलोले मतलब मजाक, एक दूसरे से इधर से उधर, उधर से उधर, बिना कारण के हम लोग घूमते रहते थे। बहुत से भाप जलकन से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए, और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली की चैली को एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारियां मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से
टूट कर खंड खंड हो गया, यानी वॉटरफॉल में आए ना, तो वॉटरफॉल ऊपर से जब नीचे गिरती है तो नीचे पत्थर को तोड़ देती है। आपको पता है पानी भी पत्थर को तोड़ सकता है। ओके जी, मैं यहाँ रुक रही हूँ। कम टू द क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं बच्चे। चौथा क्वेश्चन, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करो। बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, पूरे लेसन का समअप हो जाएगा, तो लीव दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये तो हमें पता ही है किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्य की, ताकि वो सूर्य के आने पर भाप बनकर उड़ सके। ठीक है जी, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में बूंद सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह भाप बनकर उड़ सके। तो क्वेश्चन तो बस यही है चार, लेसन इतना लंबा था और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सीन पैसेज इस पैराग्राफ में से आ सकता है, सीन पैसेज आ सकता है, स्टिल वी आर हैविंग टाइम, वी कैन रीड द फुल लेसन। ओके, अपनी अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के, सरिता मीन्स नदी, नदी में बहते हुए, कहते एक चट्टान से दूसरी चट्टान में जाना, फिर ठोकर खाना, फिर नीचे गिरना, किसी पत्थर को तोड़ देना, वो दिन बहुत अच्छे थे। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तल पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही। मैं उत्सुक हो से देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता लिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे देख रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यानी पानी की कहानी, एक ओस की बूंद के थ्रू लेखक ने हमें पानी की सारी कहानी बता दी कि कैसे ये धरती बनी, कैसे पानी बना, ग्लेशियर से पानी कहाँ जाता है, कैसे होता है, कैसे वॉल्केनो, समुद्र, चट्टाने, पहाड़ी इलाके, फिर टैप, उसमें रूट में अगर चली जाए या टैप वाटर बन जाए, वो सारा वर्णन करते करते लेखक ने बताया कि मैं ओस की बूंद कैसे बनी और कैसे मैं अपने आप को बचाऊंगी। ओके जी, डन। जल चक्र के विषय में जानकारी कलेक्ट कीजिए, आपको मोटरसाइकिल मालूम है आपको बहुत अच्छी तरह। पानी की कहानी पाठ में उसकी बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। नो नीड समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। बाय द क्लाइमेट इज मॉडरेट नियर सी, इसका जवाब तो आप दे सकते हैं, सोशल में किया होगा, साइंस में किया होगा आपने। ठीक है, चलिए ढूंढिएगा और कल मुझे बताइएगा इसका आंसर भी। ठीक है, आगे है, पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों के पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं, बायोलॉजी में क्या कहते हैं, क्या इस प्रक्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त कीजिए। फोटोसिंथेसिस है ना, कि टैप्स रूट्स से पानी जाता है स्टेम में, स्टेम से पत्तों में, पत्तों में कैसे खाना बनता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस।
But this lesson is over. लेसन इज ओवर, ठीक है। इस लेसन के बाद लास्ट में है कारक, देखो नीचे है कारक, देखिए भाषा की बात में उसने कहा है कारक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का की रारे ही अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, ओके कारक। तो वाइल डूइंग दीज क्वेश्चन आंसर्स ओपन योर फेयर नोटबुक ग्रामर पोर्शन, राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस फॉर कारक का भेद बताएं। ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस कारक का भेद बताएं। ओपन योर फेयर नोटबुक्स डायरेक्टली एंड प्लीज सेंड मी योर ऑलवेज होमवर्क प्लीज, ओके। कारक का भेद बताएं। यस बेटा, नंबर वन बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आज का काम कर लेना, अंडरलाइन बच्चों, और दूसरा वर्ड अंडरलाइन करो आज का, आज का, यानी यू विल लीव टू लाइन्स to write down answers, ठीक है। Second sentence, मैंने पाठ्य पुस्तक में शब्द को मैंने पाठ्य पुस्तक में शब्द को रेखांकित किया, रेखांकित किया। इसमें से भी दो अंडरलाइन करेंगे, पाठ्य पुस्तक में और शब्द को। नंबर थ्री, किसी वस्तु का चुनाव करके, किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखो, किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखो। बेटा अंडरलाइन वस्तु का और कहानी, वस्तु का और कहानी। मैंने सबके दो दो अंडरलाइन करवाए हैं, यानी आई हैव गिवन यू थ्री सेंटेंसेस विद टू टू अंडरलाइन, सिक्स हो गए, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। अंडरलाइन हम
और तेजी से हम, और सेकंड वर्ड है तेजी से, ठीक है। तो टुडेज होमवर्क इज डू वर्क गिवन इन क्लास। ओके, होमवर्क में तो आज आपका काम नहीं है, लेकिन आप, मैंने जो काम दिया है वो आप कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।